नमस्कार। सो जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको कैटेगरी रैंक के बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा, और फिर से थोड़ा सा झटका भी है, और वो झटके के लिए अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको देना शुरू करता हूं। और वो झटका है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। तो मैंने लास्ट वीडियो बनाया, आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो कि कैसे सेम नंबर पर रैंक गिर गई हैं 2023 में। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो भी आपके पेरेंट्स जो अपने आप से काउंसलिंग कर रहे हैं या उन काउंसलर्स के पास जा रहे हैं जो काउंसलर नहीं एजेंट हैं और जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कि 2022 की कट ऑफ को मत देखिए, क्योंकि वो एक्सेप्शनली ईयर था। देश की अर्थव्यवस्था डाउन थी, लोगों के पास प्राइवेट फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो काफ़ी कम नंबरों पे भी सीट आ गई थी। आपको जजमेंट करनी है 2021 देखिए, 2020 देखिए, 22 मत देखिएगा, पहली चीज़। दूसरा, मैंने आपको बता दिया कि नंबर नहीं हमेशा रैंक देखनी है। अब आ गया तीसरी चीज़, रैंक के अंदर कैटेगरी रैंक और उसका सिग्निफिकेंस। और पहली बात आपको ये समझना है कि कैटेगरी रैंक भी कहीं कहीं इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं है, वो समझते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले सरकारी बच्चे और सरकारी सीटें और जो झटका है। देखिए हिस्टोरिकली क्या होता था, ध्यान से समझिएगा। हम ये सब मान के चलते थे कि जनरल कैटेगरी जो गुप्ता, बंसल, कंसल, अरोड़ा, बजाज, पंजाबी, टैम, ब्राह्मण होते हैं, जिनको आजकल हम अनरिजर्व कहते हैं। और आप इस बात को, इस शब्द को बड़ा ध्यान से समझिए कि नीट हमेशा अनरिजर्व बोलता है, कभी भी जनरल नहीं लिखा होता ना, हमेशा यूआर लिखा होता है। यूआर, ओबीसी, एसटी, एससी, फिजिकली हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत मोटा मोटी हम जानते हैं। तो हमेशा रिजर्वेशन होता है, 40% है अनरिजर्व के लिए, 10% है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए, राइट, 27% है ओबीसी, और एक्चुअली ईडब्ल्यूएस इज पार्ट ऑफ अनरिजर्व, एंड देन एसटी एंड देन एससी, राइट, वी ऑल नो दैट। एंड उसके अंदर फिर हम आगे बात करते हैं। और फिजिकल हैंडीकैप रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब 5% सीटें हर रिजर्वेशन में से निकाली जाती हैं। तो हमने ब्रॉडली क्या सोचा, जो अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई अगर मैं ईडब्ल्यूएस नहीं हूँ और मैं अनरिजर्वड हूँ, तो 100 में से 27% ओबीसी, 15 और 7.5% एसटी एससी, 22.5% मतलब मिला मुलू के 50, 10% ईडब्ल्यूएस, तो हमारे पास 40% सीटें हैं सरकारी। तो ये लोग आइडिया क्या लगाते हैं, अगर मैं अभी, आपको पता है एमबीबीएस के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशन है, स्टेट्स की सीटें अलग हैं, तो हिमाचल में 510 नंबर पे भी सरकारी सीट मिलती है और दिल्ली में 620 पे भी नहीं मिलती है। तो वो सब बातें आई होप आप सबको क्लियर है जो ये वीडियो सुन रहा है, और मैं उसमें इस वीडियो का समय नहीं ख़राब करूँगा कि जो स्टेट एमबीबीएस कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, जो कि मेजोरिटी हैं एम्स को छोड़ के, सब में 85% सीटें स्टेट के बच्चों के लिए होती हैं। और हर स्टेट का कंपटीशन अलग है, हर स्टेट की मेरिट अलग है। सो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, बिहार आर द मोस्ट कॉम्पिटिटिव स्टेट्स, एंड हिमाचल इज़ द लीस्ट कॉम्पिटिटिव स्टेट इन द एंटायर इंडिया। तो सेम बच्चा, सब कुछ सेम, हिमाचल में 540 नंबर लाओ, और मैं बार बार नंबर में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर मुझे रैंक में एग्जाम्पल देना चाहिए कि हिमाचल में ऑल इंडिया रैंक 30,000 लाओ और दिल्ली में 25,000 लाओ या 20,000 लाओ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि हिमाचल में इंटरनल कंपटीशन कम है, जो बच्चे नीट में बैठे और जिन्होंने नीट में स्कोर करा। दिल्ली, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, एक ब्रॉड बेंचमार्क दो, आर द मोस्ट कम्पिटिटिव स्टेट्स इन इंडिया। पंजाब भी कॉम्पिटिटिव है, पर पंजाब को फ़ायदा ये है कि क्लोज स्टेट है, तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस भी कम है। तो जिनके सरकारी मिस हो जाते हैं वो प्राइवेट में चले जाते हैं, 4 लाख वाली फ़ीस में, तो उन्हें दर्द नहीं होता। ऐसे मध्य प्रदेश में ये है कि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस वो मेधावी छात्र के चक्कर में मिल जाती है, तो दर्द कम होता है। लेकिन और बाकी स्टेट्स में सीटें बहुत हैं, पर ये 4 स्टेट कॉम्पिटिटिव हैं। तो कमिंग बैक टू कैटेगरी रैंक, हमको लगता था कि 40% सीटें हमारे पर, ऐसा नहीं होता, और इसलिए वो सीट जनरल सीट नहीं होती, वो अनरिजर्व्ड होती है। तो आप लोग समझिए कि काउंसलिंग होती कैसे है हर स्टेट में। पहले तो पहले हम एमसीसी काउंसलिंग की बात करते हैं, और सेम चीज़ लागू है हर स्टेट की सरकारी सीटों पे। लेट्स से रैंक 1 ऑल इंडिया कोटा दिया जा रहा है, या यूपी स्टेट की काउंसलिंग चल रही है, पूरा यूपी स्टेट में जिस जिस बच्चे ने सरकारी के लिए फॉर्म भरा उसकी मेरिट लिस्ट बनती है, और ऐसे हर स्टेट में बनती है, याद है। अब बाई चांस जो यूपी का इस साल का टॉपर है वो ओबीसी है, उसने मांगा केएमयू, कस्तूरबा जो लखनऊ का है, उसको सीट मिल गई। अब क्या वो सीट ओबीसी कोटे से मिलती है? नहीं, वो सीट अनरिजर्वड या जनरल कोटे से मिलती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये अनरिजर्व सीट है, और उसके बाद ओबीसी, एसटी और एससी आएगा, समझे बात को। दैट मीन्स मेरिट में अगर पहले 20 बच्चों में 12 बच्चे ओबीसी के हैं, तो वो
मिलेगी सीट ओबीसी के बच्चे को, लेकिन जाएगी किसके कोटे में से, अनरिजर्व वाले कोटे में से, क्योंकि वो अनरिजर्व शब्द है, जनरल शब्द नहीं है। तो ओबीसी के अपने 27% तो अलग हैं, और अगर ओबीसी से कोई टॉपर है तो उसको पहले जनरल सीट मिलेगी। तो मैं आपको रफली एग्जांपल दूं, भाई हमारे पास एक स्कोर कार्ड आया, तो पहले इसी चीज़ को समझते हैं, ठीक है। अब हिस्टोरिकली क्या होता था कि टॉपर सारे ही जनरल होते थे, तो हमें इतना दुख नहीं होता था, बुरा मत मानिएगा जो मेरे एसटी और एससी भाई बहन हैं या पेरेंट्स हैं, कि मेरिट लिस्ट बनती थी, हम नहीं कहते थे पहले जब 50,000 जनरल ख़त्म हो जाते हैं तो पहला एससी आता है, और जब 10,000 एससी ख़त्म हो जाते हैं तो पहला एसटी आता है। अब एससी एसटी भाई बंधु भी बहुत, भाई बहनें बहुत अच्छे से पढ़ रही हैं, और ख़ासकर ओबीसी, देखिए ओबीसी तो दे आर एज गुड एज जनरल स्टूडेंट्स, और ओबीसी की कई जात तो ऐसी हैं जो बहुत प्रोग्रेसिव हैं, ठीक है। मैं इस वीडियो को पॉलिटिकली बनाना चाहता, बट ओबीसी के अंदर वो सब जनरल वाली कास्ट हैं जो बहुत अच्छी हैं, बहुत प्रोग्रेसिव हैं। आपको एक रफ आइडिया दूँ तो इस साल एक 630 नंबर पे ऑल्डर रैंक 14,000 है, तो मतलब 14,000 बच्चे हैं जो ऊपर है 630 नंबर से, ठीक है। एग्जैक्ट 14,077 हम 14,000 पकड़ते हैं वीडियो को समझने के लिए। अब 10 साल पहले क्या होता था, इन 14,000 में से 10,000 जनरल होते थे, ज़्यादा है, 2,500 ओबीसी होंगे, थोड़े बहुत एससी होंगे, 2-4 एसटी होंगे। आज इस 14,000 में जनरल से ज़्यादा ओबीसी हैं, तो जनरल मतलब अनरिजर्व कह लीजिए वो 6,300 हैं, और ओबीसी जो हैं वो 7,000 हैं, और ऐसा ही पूरी इंडिया में हो रहा है। थोड़ा बल्कि मैं और नीचे जाऊंगा, मेरे सामने स्कोर कार्ड है, 409 नंबर पे 217,000 रैंक है। अब 217,000 में जनरल सिर्फ 70,000 हैं, और ओबीसी हैं वो तकरीबन 225,000 हो गए हैं, 120,000, समझ रहे हैं, मतलब ओबीसी की मेरिट है, बच्चों की जो पोटेंशियल है वो जनरल से बेटर हो गई है, लेकिन उनके पास रिजर्वेशन भी है। तो क्या होगा कि अगर पहले 30 बच्चों में अगर 30 के 30 ओबीसी हैं समझ लीजिए, तो उन्हें ओबीसी कोटे की सीट नहीं मिलेगी, उन्हें जनरल कोटे की मिलेगी, और लेट्स से फिर जनरल की सीटें ख़त्म होगी अनरिजर्व्ड की, उसके बाद कोई ओबीसी है तो उसे ओबीसी की सीट मिलेगी, लेकिन चूंकि वो कोटा ख़त्म हो गया है तो जनरल वाले को कुछ नहीं मिलेगा, तो अनरिजर्व वाले को ना ये सीट मिलेगी ना वो मिलेगी। सो ये भी फैक्ट 2022 का और 21 का मैं डेटा बताऊं, तो अभी तक तो रफली चल रहा था, तो ये 40% नहीं, ये 32% होता है। सो अनरिजर्व जितनी कास्ट हैं उनको सिर्फ 32% सीट मिलती है इंडिया में, तो आप सरकारी की मैं बात कर रहा हूं, तो आप जो ये 40% मानते हैं, 40 नहीं है, 32 है। ईडब्ल्यूएस की फिर भी 10% सीटें पक्की हैं, तो ओबीसी वाले को वो तो मिल जाएंगी जनरल, बट उसको ईडब्ल्यूएस की सीट नहीं मिलेगी। तो हाँ, ईडब्ल्यूएस कोई टॉपर है तो उसको फिर पहले जनरल की मिल जाएगी, इसलिए मैं बाबा कह रहा हूँ कि दे आर कॉल्ड अनरिजर्व्ड, लेकिन ओबीसी इनको बहुत खा रहा है। तो एक बात ये समझ लीजिए कि मेरे पास अगर मैं ईडब्ल्यूएस में भी नहीं आता और मैं अनरिजर्व्ड हूँ, तो मेरे पास वो सीट 40% नहीं, सिर्फ 32% रह गई हैं। सबसे पहले आप इस लाइन को, इस शब्द को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि यू आर अनरिजर्व्ड इन ईडब्ल्यूएस, यू आर अनरिजर्व्ड। ओबीसी इज प्योर ओबीसी, और पीडब्ल्यूडी तो हम जानते ही नहीं कि अंदर से निकला जाता है। तो इस साल जो मैं परफॉर्मेंस देख रहा हूँ, जो मेरे पास जितने स्कोर कार्ड आए हैं हमारे क्लाइंट्स के, या जो हमसे 2,500-5,000 रुपये दे के वन टाइम कंसल्टेशन लेते हैं, वो भी अपना कार्ड तो भेजते ही हैं ना, इस साल ये फिगर 32% से भी गिर जाएगी, और कोई बड़ी बात नहीं 30% पे रह जाए, और ये 2% का ड्रॉप भी बहुत सिग्निफिकेंट ड्रॉप होगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो भाई आपके लिए, क्योंकि ना लोग ये मानते थे, सर देखिए ऑल इंडिया रैंक मेरी, अगर हिंदुस्तान में अगर 60,000 सरकारी सीटें हैं और मेरी ऑल इंडिया रैंक 40,000 है, तो मुझे सरकारी सीट मिलनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कैटेगरी रैंक देखो, पर दूसरी बात यह है कि कैटेगरी रैंक के अंदर भी ओबीसी आपको मार रहा है, तो अनरिजर्व वाले बच्चों को जो सरकारी का उम्मीद करके बैठे हुए हैं, लुकिंग एट द, क्यों कहते हैं कैसा कहते हैं सर सरकारी में तो मेरी कैटेगरी रैंक तो खाली 6,000 है जनरल में, और जनरल की तो 40% सीट है। मैं कहता हूँ ना जनरल की 40 है ना 32 हैं, तुम्हारी 6,000 रैंक है तो समझ जाओ कि ओबीसी तुम्हारे ऊपर आ गए, तुम्हारी सीट्स ओबीसी ले जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं अपनी कन्फर्म सीट मानते हुए। और ये तो हो गया सब सरकारी के लिए, अब कई कई स्टेट्स में प्राइवेट के अंदर भी कोटा है, जैसे कि हरियाणा में भी आधी सीटें ओपन हैं, आधी सीटें इस कोटे के अंदर आती हैं, तो ओबीसी एससी एसटी कोटा होता है। तो जिस बीच भी स्टेट्स में, राजस्थान में होता है ये कोटा, उत्तराखंड में होता है, तो जहाँ पर भी कोटा है ये लॉजिक हर जगह लागू होगा। तो
तो स्पेशली जो अनरिजर्व बच्चे हैं उनको इस तरह से ध्यान रखना है। और दूसरी तरफ मैं बताऊँ ओबीसीज़ को फ़ायदा है। तो अगर आपकी ओबीसी में कैटेगरी रैंक 30,000 है लेकिन ऑल इंडिया रैंक 50,000 है तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको कन्फर्म सरकारी सीट मिल जाए। जबकि हम ये सोचते, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा तो सोचता ना कि मेरी तो 27% सीटें हैं और मेरी कैटेगरी रैंक तो बहुत पीछे है। जो शेड्यूल ट्राइब को अच्छी तरह मालूम है, शेड्यूल ट्राइब की सीट्स कहीं नहीं जाती है एससी की, तो इन तीनों को फ़ायदा है कि इनकी अगर ऑल इंडिया रैंक नीचे भी है तो आप कैटेगरी रैंक ज़रूर देखें। और जनरल वाले को भाई कैटेगरी रैंक नहीं, ऑल इंडिया रैंक देखनी है, क्योंकि तुम जनरल नहीं हो, तुम अनरिजर्व्ड हो। तो इस बात का ध्यान रखिए, उसके हिसाब से अपनी काउंसलिंग स्ट्रेटजीज बनाइए। जहाँ जहाँ प्राइवेट में लागू है उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, डीम्ड में कहीं ये लागू नहीं होता, क्योंकि डीम्ड में कोई ये कोटा नहीं होता। और मैं कई बार समझा चुका, आप चैनल पे वीडियो सर्च कीजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे लास्ट एक दो साल के, कि प्राइवेट और डीम्ड में क्या फ़र्क है, कौन से अच्छे होते हैं कौन से नहीं होते हैं। ये गलत फहमी है कि सारे डीम्ड अच्छे होते हैं। डीम्ड एक जस्ट एक डेफिनेशन है, कॉलेज की चॉइस थी कि उसमें आपको डीम्ड बना दिया। अब MMU का नया कैंपस साडोपुर में आ रहा है, वो पहले साल ही डीम्ड आ रहा है, क्योंकि मतलब इट कुड हैव बीन हरियाणा स्टेट कॉलेज ऑल्सो। तो अक्सर ये परसेप्शन रहती है कि डीम्ड स्टेट प्राइवेट कॉलेज से अच्छे, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि डीम्ड तो सारी ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जबकि काफ़ी सारे स्टेट प्राइवेट कॉलेज सरकारी यूनिवर्सिटीज से एफिलेटेड हैं। और वर्ल्ड वाइड जब हम रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑलवेज हैव फार मोर रिकॉग्निशन। बट हैविंग सेड दैट, दैट डजंट मीन दैट सरकारी यूनिवर्सिटी हो गया सब कुछ अच्छा हो गया, उसके अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। तो वो सब समझिए, जो जिस भी काउंसलर को हायर करें ना उनसे ये सब सवाल पूछिए। मैं हमेशा कहता हूँ आपके फॉर्म भरना इज जस्ट 20% ऑफ माई वर्क। जो 80% वर्क है वो होता है आप सबके साथ ये 1-to-1 डिस्कस करना और फिर एक स्ट्रेटजी, फिर एक फाइनलाइजेशन करना कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, स्टेट प्राइवेट चाहिए कि डीम चाहिए या सरकारी चाहिए, या लास्ट तक रुकना है या अब्रॉड जाना है या क्या करना है। और उसी चीज़ की हम अपनी फ़ीस लेते हैं, फ़ोन पर बात करने के 2,500 रुपये, फेस टू फेस मीटिंग करने के 5,000 रुपये मिनिमम। और उसी मीटिंग में हम डिसाइड करते हैं कि आपका पैकेज क्या फिट होगा हमारे साथ। 9643362320 पे कॉल कीजिए। आप नोट करते होंगे जब आप कॉल करते हैं, हम एक बार फ़ोन काटते हैं, फिर हमारी कॉल आपको कॉल करती है, क्योंकि हमारा IVR सिस्टम ख़राब चल रहा है, वरना वो आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते, ठीक है। तो आप वो फ़ोन कट करते हैं तो घबराया मत कीजिए। और जिस दिन हमारा छुट्टी होती है रात को 8 बजे के बाद, फिर मैं उस फ़ोन को उठा लेता हूँ, बात नहीं करता, और कोई ठीक है कोई 30 सेकंड ही बात करता तो कर भी लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो। आई होप कि आपको कैटेगरी रैंक का सारा फंडा समझ में आ गया। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर योर दिस एडमिशन। हैव ए नाइस करियर। बाय बाय।